खाद की कालाबाजारी करने वाली दुकानों पर अधिकारियों की छापेमारी, दो दुकानें सस्पेंड। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 25 जुलाई 2020 को खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने जगह जगह रेत डालना शुरू कर दिया है। डीएसओ शैलेश शाही ने बताया कि किसानों को खाद की ओवर रेटिंग और कमी नहीं होने के लिए, साथ ही मिलावटखोरी और जमाखोरी न हो सके, इस सब के लिए शासन के निर्देश पर ये छापेमारी की जा रही है। बताते चलें कि डीएफओ शैलेश शाही ने बताया कि डीएम के निर्देश में जिले में दो टीम बनाई गई है। जिला कृषि अधिकारी तीन तहसीलों को देख रहे हैं, बल्दीराय जयसिंहपुर और कादीपुर तहसील क्षेत्र को देख रहे हैं। स्वयं डीएफओ शाही सुल्तानपुर और लम्बुआ तहसील में छापेमारी कर रहे हैं। सुल्तानपुर तहसील में छापेमारी करते हुए उन्होंने 11 दुकानों का निरीक्षण किया, जहाँ संदिग्ध की स्थिति का पता चला, वहाँ सैंपल भी लिया है। इसके अलावा दो दुकानों का निलंबन भी किया गया है। कुछ स्थानों पर गोदाम को चेक किया गया तो जिम्मेदार चकमा देकर भाग निकले। जय भारत मिश्र और विजय सन्स एंड ब्रदर्स को सस्पेंड किया गया। जिले में खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीज, कीटनाशक और उर्वरक की दिक्कत ना हो सके, इसलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। ये उर्वरक की रेट है, छापा है, जिसमें उर्वरकों की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के लिए की जा रही है, जिसमें किसानों ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में उर्वरकों की किसी प्रकार की कमी ना हो और किसानों को ओवर रेटिंग न की जाए और इसमें मिलावट न किया जाए, जिसके लिए जमाखोरी और कालाबाजारी न हो सके, इसके लिए ये शासन का आदेश है। जनपद सुल्तानपुर में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम शासन के आदेश है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। इसमें दो टीमें बनाई गई है, जिला कृषि अधिकारी तीन तहसील को देख रहे हैं, बल्दीराय जयसिंहपुर और कादीपुर, और मैं सदर तहसील और लम्बुआ में देखा। आज सुबह से मैं निकला था तो मैंने अभी तक जो हमने 11 दुकानों का निरीक्षण किया और जहाँ संदिग्ध की स्थिति मुझे पता चला, वहाँ पे मैंने 11 नमूना भी लिया है और साथ में दो दुकानें में निलंबित किया हमारी टीम से। तो मौके पे गोदाम पे भी गए, ऑफिस में भी वो थे नहीं, इधर दो चकमा दे के चले गए। इसमें जय भारत मिश्र और विजय एंड सन्स ब्रदर्स जो है, इसको तत्काल इसके विरुद्ध कार्रवाई के सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी? आज तो क्योंकि मेरा अभियान खरीफ अभियान तो पहले से शुरू हो गया है कि जनपदों में किसान को बीज और उर्वरक कीटनाशक किस प्रकार की दिक्कत ना हो सके, तो लगातार भ्रमण जनपद में किया जा रहा है। ये शासन का ये विशेष अभियान है, जिसमें कालाबाजारी और जमाखोरी और ओवर रेटिंग ना हो सके, किसानों को सुविधापूर्वक उर्वरक मिल सके और उर्वरकों में किसी प्रकार की मिलावटी ना हो सके, इसलिए ये शासन का आकस्मिक छापा है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये खरीफ अभियान हम लोगों ने शुरू किया, 15 मई से शुरू किया। सोशल डिस्टेंस और को मेंटेन करते हुए किसानों को उर्वरक बीज और कीटनाशक दवा उपलब्ध शासन के आदेश के क्रम में, तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी भी किसान को खाद उर्वरक और कीटनाशक दवाओं किसी प्रकार की कमी ना, ओवर रेटिंग ना हो सके, इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में काफ़ी हद तक सफल रहे और जनपद में उर्वरकों की किसी प्रकार की कमी नहीं। रही बात की कालाबाजारी और जमाखोरी ओवर रेटिंग की, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसी में शासन का ये आकस्मिक रेड है, तो उसमें हम लोगों ने अभियान चली रहा और स्पेशल अभियान है, जिसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ पाते हैं पाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दी।